एक मशहूर राजा के साथ प्रेम संबंध बनाने के बाद एक विवादित दूसरी शादी, हीरे जवाहरातों के लिए अपार प्रेम और हॉलीवुड के लेजेंड्स, विश्व के फैशन आइकन्स के साथ उठना बैठना, ऐसी थी बड़ौदा की रानी सीता देवी की जिंदगी। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम के महाराजा सूर्य राव और उनकी महारानी चिन्नम्मा के घर 12 मई 1917 को सीता देवी का जन्म हुआ। 1943 में बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ ने सीता देवी को जब देखा था, तब तक सीता देवी के 3 बच्चे हो चुके थे। सीता देवी और प्रताप सिंह को एक दूसरे से प्यार हो गया। सीता देवी वो रानी जो 1000 साड़ियां लेकर सफर करती और अपने जेवर दिखाने के लिए बाल बांधती थी। महाराजा से शादी करने के लिए पहले पति से तलाक जरूरी था। सीता देवी ने धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम बन गई। पहले पति को तलाक देने के बाद उन्होंने फिर से धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू बनी और महाराजा से शादी की। विवाह के बाद सीता देवी का नाम हुआ श्रीमंत अखंड सौभाग्यवती सीता देवी साहेब गायकवाड़, दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी। महाराज ने बड़ौदा के राजकोष से बहुत सारा धन और कई महंगे जवाहरात निकालकर सीता देवी को तोहफे में दिए। प्रताप सिंह और सीता देवी की शादी विवादों से घिरी थी। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ये दोनों फ्रांस के मोनाको में रहने लगे और सीता देवी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। विश्व के नामी गिरामी लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उनकी छोटी से छोटी चीजें भी उनकी अमीरी को दिखाती थी। उनके सिगरेट होल्डर में भी रूबी जड़े थे। एक ऐसा दौर जब महारानियां सिर पर पल्ला रखती थी, सीता देवी खुलकर जीती थी और नियमों को नहीं मानती थी। अपने बालों को हमेशा पीछे की तरफ बांधकर अपने जवाहरात दुनिया को दिखाती थी। रानी साहिबा सीता देवी के पास एक 3 लड़ियों वाला हीरों का हार था। उस हार में विश्व प्रसिद्ध स्टार ऑफ द साउथ कहा जाने वाला 128.80 कैरेट का गुलाबी ब्राजीलियन हीरा और 78.53 कैरेट का इंग्लिश ड्रेसडन हीरा जड़ा था। फ्रेंच कंपनी वान क्लीफ और पेल्स से उन्होंने अपने लिए सोने की जेबियां टंग क्लीनर बनवाई थी। कहते हैं मनाको के उनके घर में मोतियों की एक कालीन भी थी। सीता देवी के सम्मान में फ्रेंच फैक्ट्री सारी और को स्थापित की गई थी और उनकी मृत्यु के बाद इसे बंद कर दिया गया। सीता देवी 1000 फ्रेंच शिफॉन साड़ियां लेकर घूमने निकलती थी और हर साड़ी के साथ मैचिंग जूते और पर्स भी लेकर चलती। सीता देवी ने अपने पति को 1956 में तलाक दे दिया, लेकिन शानो शौकत से उनका लगाव बना रहा। कहते हैं अपनी जीवन शैली को बरकरार रखने के कारण उन्हें अपने कुछ जेवर भी बेचने पड़े। सीता देवी के बेटे प्रिंस की आत्महत्या ने उन्हें तोड़ दिया। प्रिंस ने अपने 40वें जन्मदिन पर आत्महत्या कर ली। 4 साल बाद रानी की भी मृत्यु हो गई।